खुशी तो हर हर फोन की आती है, जब पहला पहला फोन आता है ना, हर हर चीज की खुशी होती है। हाँ। तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की है फोन में? कह रहा था लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, इस भाई ने मेरा बड़ा सिर खाया हुआ है। सिर पे बैठने का मेरा काम है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग का तो पता नहीं गाइज, ये वीडियो कब डल रही होगी, मे बी शाम में भी पड़ सकती है, बट अभी तो गुड मॉर्निंग है, तो मैं तो गुड मॉर्निंग ही करूँगा भाई। सो गाइज यार, प्लान ये है कि फिर से जा रहे हैं किसी पहाड़ में, और अब की बार यस हिमाचल वाले पहाड़ में नहीं जा रहे हैं, बट नेचुरल अब की बार जा रहे हैं भाई उत्तराखंड वाले पहाड़ में। तो भाई कल निकल रहे हैं बेसिकली रक्षाबंधन के मौके पे, तो आज करेंगे शॉपिंग थोड़ी सी और कल निकलते हैं भाई फिर उत्तराखंड। भाई लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब अभी 10-15 दिन तो बारिशें हुई हैं, बट अभी देखो यार क्या टेम्परेचर है, 37.5। और लिटरली भाई बाहर ना एकदम जल रहा है, गाड़ी से बाहर निकल के ना एकदम ऐसे लग रहा है जल जाएंगे भाई। चाहिए भाई फिर से थोड़ी सी राह चाहिए पहाड़ों वाली। सो भाई अपनी चल रही है शॉपिंग पूरी दबा के 3B2 मार्केट में, और अभी जा रहे हैं VR मॉल, वहाँ से कुछ कपड़े शपड़े ले ले। मतलब लिटरली यार इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, माई गुडनेस यार सला भाई, मतलब 2 मिनट के लिए बाहर निकले तो एकदम ऐसे लग रहा है कि जल जाएंगे। चलो कोई नहीं भाई, आ रहे हैं भाई, पहाड़ कॉलिंग कमिंग। सो भाई अपनी हो गई है मॉल की भी शॉपिंग पूरी, और अब इट्स टाइम, हाँ अब चल रहे हैं, चल के अपनी दाढ़ी सेट कराते हैं और फिर भाई चलते हैं घर और निकलते हैं कल मॉर्निंग घूमी घूमी करने। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो भाई? भाई मैं देखो पूरी गर्मी में ना वाइप से अपना मुंह पोंछ रहा हूँ, मतलब एसी चल रहा है उसके बाद भी ये देखो 37 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, और यार देखो भीड़ लगी हुई है दबा के। सो बेसिकली हम निकल रहे हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उत्तराखंड निकल रहे हैं, और इस ट्रिप पे हम अकेले नहीं जा रहे हैं, इस ट्रिप पे हम मम्मी के साथ जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप है, तो हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। तो भाई मम्मी वहाँ कहीं अंदर गई हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ सामान उनका रह गया था, मैं आके कर लेता हूँ यार गाड़ी। तो भाई हम यहाँ पर खड़े हैं, बस जैसे ही मम्मी आ जाती हैं तो फिर हम निकल जाते हैं उत्तराखंड के लिए। सो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लंच करने के लिए रुके हैं यार, यहाँ पे तो कोई खास सा ढाबे तो है नहीं, तो एक हल्का फुल्का है जो भी मिला, सरगम ढाबा, तो यहीं पे रुक रहे हैं, अब यहाँ पर लंच करेंगे। और लिटरली भाई सज़ा हो रही है, सज़ा ही देखो, पसीना ही पसीना यार, इतनी गर्मी है। गाइस यार आज तो बहुत थकावट हो गई यार, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई मोस्टली यार, पता नहीं मेरे को ड्राइविंग करने में इतनी थकावट होती भी नहीं है, बट पता नहीं यार मे भी शायद इतनी ज़्यादा गर्मी है। कहते हैं ना जब बारिशें होती हैं उसके बाद जो गर्मी होती है, जो धूप होती है, मतलब वो एकदम यार परेशान कर दिया है लिटरली, बहुत गर्मी, एसी काम नहीं कर रहा था एकदम। चलो एनीवेज अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं उत्तराखंड, और एक ये कोई है संधू ढाबा, यहाँ रुके हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर बढ़ेंगे आगे यार। Now you on vlog. Body देखो फूफा जी की मेरी एक बार। So भाई हम रात में आ गए थे, बेसिकली हम रात में आ गए थे हल्द्वानी में, और देखो यार मौसम कितना सही लग रहा है यार यहाँ पे, बट यार एज एक्सपेक्टेड यहाँ भी गर्मी है, बट मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये बेसिकली हमारे भांजे हैं, ये भांजे के ये बिल्ली बन चुके हैं, मुझे बिल्ली ने काट लिया था पिछले पैर में, तो मैं बिल्ली की रोक पे आने वाला हूँ। पिछले पैर में काट लिया था? अच्छा मैं आपको काट लूंगा।
तेरे ऊपर जो व्यू आ रहा है ना यार, बहुत अल्टीमेट है ये। वहाँ कहीं जाके ऊपर पहाड़ है। सो भाई ऑल सेट, आज हम निकल रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा भाई, उसको इग्नोर मारो मत्थे पे। तो हम निकल रहे हैं भाई, कहाँ निकल रहे हैं भाई? हम निकल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना ये इशू है थोड़ा सा दिमाग से। सुनो तो ये हमारे, मेरे को तो बोल रहे थे ये हमारे बोट के स्पीकर्स रेडी हैं जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, और आज हम वहाँ पे जाके डांस करेंगे, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया आपके आने में भी नहीं मजा नहीं आया। चल कोई नहीं, ज्यादा दिन नहीं, हम निकल जाएंगे जल्दी। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं। इस भाई को हमने ना ये गिफ्ट दिया है इस बार, iPhone 7। बेसिकली मेरा पुराना फ़ोन था तो मैंने इसको गिफ्ट कर दिया है, और ये भाई इतना खुश है, इतना ज़्यादा खुश है। कितनी खुशी तो हर फोन की आती है, जब पहला फ़ोन आता है ना, हर चीज़ की खुशी होती है। हैं? हाँ। तुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है फ़ोन में? कह रहा था लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँगा। सो गाइस हम निकल गए यार नैनीताल के लिए। फिलहाल ये यार चार्जर आ रहा है, फिलहाल मौसम यहाँ सड़ी गर्मी है, बट नैनीताल में तो दिखा रहा है यार 30-21 डिग्री के आसपास। तो भैया सीधे वहीं रोकेंगे गाड़ी। गाइस क्या सीन हो रहा है यार, लिटरली यार, मतलब देखो पूरे बादल ही बादल है रोड पे। मतलब सही है यार, हिमाचल भी घूमते हैं, वहाँ का भी एक मजा है। गिरोगे यहाँ पर, आ जाओ, तेरे जो मामा है मेरे है, आ जाओ। चल दिखाने तो दे, मतलब लिटरली भाई उत्तराखंड के लिए भी ये है। और देखो भाई जहाँ पर अभी हम खड़े हैं पूरे बादल ही बादल दिख रहे हैं भाई, पूरे बादल। सो भाई यहाँ पर बन रही है पूरी रील्स भी शूट हो गई है तेरी, तो सारी हो गई। चल हाँ बोल, क्या कह रहा है? अब तो भाई हमारा फोन पे बातें करने लग गया, भाई के पास पर्सनल फोन आ गया भाई। अरे मम्मा का फोन, अरे छुट्टी, कोई बात नहीं। तो भाई हम पहुँच गए नैनीताल, वो है गुरुद्वारा साहब, और यहाँ पे अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, और हमारे फैमिली वाले बंदे वो कहीं ऊपर जाके उन्होंने होटल देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनको वहीं उतार दिया था। तो मैंने कहा चलो पार्किंग में लगा के मैं उधर ही आता हूँ। बस ठीक है भाई, जा रहे हैं उधर। सुनो जी भाई, यहाँ पर हो गई है बारिश शुरू, एंड एनीवेज हमने जो ऊपर होटल लिया है माल रोड में, वहाँ पर कार पार्किंग भी फैसिलिटी है, तो हमने अपनी भाई गाड़ी उठा ली है दोबारा से, और हम होटल में ही जा रहे हैं सीधे। तो नहीं भीगेगा मेरा? नहीं भीगेगा बेटा तेरा फोन, इसको अपने फोन की पड़ी है तब से। कैसे भागते हुए जा रहे हैं, मैं भी भागते हुए जाता हूँ ऐसे। कोई बात नहीं, बट लिटरली यार वेदर ऑसम है। तो भाई नैनीताल आने का ये टाइम परफेक्ट है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, क्योंकि वेदर इतना बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है ना कि ज़्यादा हौच पौच नहीं हो रहा, सही है, ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं, और अब लंच करने के बाद कहीं जाएंगे लेक में, आगे कहीं बढ़िया बोटिंग करेंगे। हाँ भाई आगे तुम धक्का मारोगे मुझे, शर्माती यार। बस लंच कर लो उसके बाद चलते हैं। देखो गाइस यार कितना सुंदर लग रहा है यार, मेरे माँ कितना सुंदर व्यू है यार। अभी पता है क्या है, बारिश रुक गई है, और ये हल्के हल्के से ब्लैक बादल हैं, बादल और हल्की हल्की बूंदे बांदी हो रही हैं, और उधर धूप निकली हुई है। अरे आगे आगे, तो इतना सही लग रहा है। इस भाई ने मेरा बड़ा सिर खाया हुआ है, सिर पे बैठने का मेरा काम है। हाँ ये तो बात पक्की है। ओके 900 रुपए दे रहे सिर बैठने अपने। हाँ। टोपी उतार दे अपनी। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ गुरुद्वारे की तरफ,
क्योंकि सारे लोग वहीं पर हैं। हम होटल गाड़ी खड़ी करने आए थे और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, उसके बाद करेंगे शॉपिंग। सुबह ही अभी हमने दर्शन किए हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये लिखा हुआ है फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट ठीक है यार, फिर भी ये कैसी फीलिंग है यार। क्या इधर आके बोल। सो भाई पूरी एक्साइटमेंट है बोटिंग की। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अब बोटिंग करने, और देखो कितना सही वेदर है, इस वेदर में हम करेंगे बोटिंग। आराम से जाना, आराम से गुड। बिल्कुल बीच सेंटर से रहना आप। पानी बड़ा गंदा है भैया। ऊपर से आ गया। तो भैया हम चले। गीला नहीं है, गीला नहीं है। वो गीला नहीं है, वो पॉलिश है, वो पॉलिश है, पॉलिश। हाँ जी। ना ना वो गीला नहीं, वो पॉलिश है। मछलियाँ वो बेसिकली ऊपर से लोग ब्रेड खिला रहे हैं, और ये तो लाखों मछलियाँ, लाखों। अभी हम भी खिलाएंगे इसको ब्रेड। चलो भाई हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, अब हम चलते हैं ऊपर, मछलियों के लिए ब्रेड लेते हैं और फिर इन लोगों को खिलाते हैं ब्रेड्स। शीशा यार बड़ा गंदा यार, पता नहीं यार इतने महंगे महंगे रूम होने के बाद भी ग्लास इतना गंदा है। चलो गाइस कोई नहीं, बड़ा फन किया यार, बहुत मस्ती की, और अब हम सो रहे हैं। पीछे देखो क्या चल रहा है। Hey you! ये कहा था ना मैंने, ये है। चलो गाइस आज की शाम, आज की रात बहुत बढ़िया रही, और अब सोते हैं भाई, क्योंकि रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 बजे, थकावट का लेवल पूरा फुल है। तो सोते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं कि कहाँ क्या करते हैं। तब तक के लिए भाई गुड नाइट।